वालेकुम नाज़रीन, हमारे सामने अदील जो कि पाकिस्तान के मायनास बैट्समैन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं पाकिस्तान का दुम्बा बनाया है आज ऑस्ट्रेलिया ने, तो आप किस तरह से देखते हैं अदील भाई इसको? पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से दुम्बा बना है और बैटिंग साइड पे ये 200-250 के अंदर अंदर भोकेंगे। अच्छा, टेंशन नहीं है इतना क्योंकि मोरल बहुत डाउन है इनका, इतना बड़ा स्कोर आ गया है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता ये 200-250 के से ऊपर जाएगा स्कोर बैटिंग में। अफजल भाई आप क्या कहते हो? अफजल भाई ये स्कोर तो बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान 300 स्कोर बना ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, 300 स्कोर? हाँ 300 नहीं तो 250 स्कोर बुक नहीं हो रहा पाकिस्तान? 280। नवीद साहब हमारे सामने इस वक्त नवीद भाई मौजूद हैं। नवीद भाई तशरीफ रखें, बैठे क्या देख रहे हैं आप यार? मैं बताया था आपको इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है वो 350 के स्कोर पर मौजूद है। तो आप क्या कहते हैं क्या करेगा ऑस्ट्रेलिया, आप पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को अब पहली बॉल से जो है वो मैच के लिए जाना चाहिए, टुक टुक गेम नहीं लगाना चाहिए विकेटें बचाने के चक्कर में। पहली विकेट पर पाकिस्तान को ऐसे खेलना चाहिए जैसे उन्होंने खेला है। तो 140 बुक होएगा फिर? तो 140 पे बुक होंगे, कम से कम इंटेंट तो नजर आएगा कि जीतने अच्छा। के लिए खेल रहे थे। आपको इंटेंट चाहिए बस? हाँ इंटेंट चाहिए, सबसे पहले तो इंटेंट चाहिए। हाँ। नियत होगी तो रन बनेंगे ना। अच्छा वैसे आप क्या देख रहे हैं आज का हीरो कौन है पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से एक ही हीरो नजर आ रहा है जो इनफॉर्म बैट्समैन है जो कि परफॉर्म कर रहा है, रिजवान तो करता ही है। रिजवान पे बहुत उम्मीद है। हाँ हाँ, उसके अलावा डिपेंड करता है कौन जो है स्टे करता है। अच्छा रीजन क्या बना ये जो दुम्बा बन गया पाकिस्तान, रीजन क्या बना? विकेट जो है बहुत फ्लैट है, रन बनाना बहुत आसान है, स्पिनर्स अगर अच्छी बॉलिंग करें लाइन लेंथ पे तो थोड़ा सा फंसा सकते हैं। आप कैच को भूल रहे हैं, कैच को भूल रहे हैं जो कैच छोड़ा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने तो फील्डिंग बहुत बुरी की है। हाँ, जो कोई शक नहीं है वो मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है वो कैच ड्रॉप था। वो बिल्कुल एक एक बंदा 150 रन बना के जा रहा है, 150 रन माइनस करें तो आप देखिए कहाँ खड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान कितने बना रहा है इंशाल्लाह बताएं आखिरी आपका? अगर पाकिस्तान जीता तो ये कमाल होगा इस मैच को। हाँ। रिकॉर्ड चेस होगा सबसे बड़ी बात। हाँ। और बना कितने रहा यार? तकरीबन 270-280 बुक हो जाएगा, बुक हो जाएगा। अदील भाई आपका स्कोर 250। अदील भाई आपका स्कोर 280। रोमियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोमियो भाई हमारे बहुत ही शानदार किस्म के क्रिकेट खेलते हैं। रोमियो भाई क्या देख रहे हैं, क्यों मारा इतना पाकिस्तान को इन्होंने? क्यों मारा जैसे अभी नवीद ने बताया भाई कि मारने की तो एक ही वजह है कि उनके जो खिलाड़ी है एक तो कॉन्फिडेंट थे। हाँ। प्लस ये है कि पाकिस्तान की जो है बॉलिंग तो उन्होंने अपने हिसाब से कराई लेकिन जाहिर है कि उनके खिलाड़ी आए थे अच्छा खेल पाए। हाँ। और ये आउट नहीं कर पाए, फिर हम लोगों ने कैच छोड़ दिए। हाँ। सबसे बड़ा ब्लंडर जो मेन हुआ है वो ये है कि हमने दो कैच छोड़ दिए। पाकिस्तान जीत रहा है या नहीं जीत रहा? पाकिस्तान अगर ओपनर अच्छा खेलते हैं। हाँ। और इसी तरह दोनों ओपनर हमारे तकरीबन दो एक एक सेंचुरी मार देते हैं, 200-250 पे स्कोर कर देते हैं। सही। 30 ओवर के दरमियान चांस है, 30 ओवर तक तो फिर तो यकीनन चांस बनता है। वैसे ये स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बन गया है, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है तो पाकिस्तान की जो अब तक की परफॉर्मेंस है दूसरी टीमों के अगेंस्ट उससे लगता नहीं कि पाकिस्तान शायद या पाकिस्तान के चांसेस होंगे जीत पाए मैच। चलो आज का मैच भी बुक हो गया, आज का मैच भी बुक गया। नाज़रीन मेरी तरफ से आप ले लीजिए, पाकिस्तान कर रहा है तकरीबन आप समझ 250 के अंदर अंदर और पाकिस्तान आज बुक हो रहा है। ओके अल्लाह हाफिज़।